हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और आपको APY व्लॉग्स में स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं अपनी अंडमान ट्रिप के बारे में बताऊंगा। वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट टिप्स, प्राइसिंग डिटेल्स भी एंड में दिए हैं, सो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट डे पे हम इधर एयरपोर्ट पे आ गए और एयरपोर्ट के बाहर आपको बहुत इजीली टैक्सीज या कैब्स मिल सकती हैं अपने होटल के लिए। हमारा फर्स्ट होटल जो कि आप दिख रहे हैं इधर, उसका नाम है होटल सेंटिनल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। इजीली आप एयरपोर्ट से 200 रुपये के आसपास में आप पहुँच सकते हैं। बस ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर आप दिन में जा रहे हैं तो AC वाला कैब ज़रूर लें, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी अंडमान में काफ़ी होती है। सो इट वुड बी बेस्ट कि अगर आप AC वाला कैब लें। उसके बाद हम फिर शाम को समुद्र का मरीन म्यूज़ियम में गए। उधर आपको एक्वेरियम, एक काफ़ी सारे फिशेस दिखने को मिलेंगी, कोरल्स बहुत सारे। मतलब आपको आई थिंक ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपकी ट्रिप का। सो इधर आप ज़रूर जाइएगा। शाम को ये 5 बजे बंद हो जाता है, सो आप इसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करिएगा ट्रिप। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइप की, अलग अलग टाइप की फिशेस हैं और आपको हर फिश के बारे में भी बताया गया है कौन सी फिश है। इधर आप फिशेस के बाहर आप जाओगे तो एक ब्लू व्हेल का स्केलेटन भी रखा हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप देखिए, लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फिश है ये। इसका नाम वगैरह सारा डिटेल्स भी मेंशन है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वाला स्टार फिश है, स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयर पैंट्स में जैसे पैट्रिक हुआ करता था, सेम वैसे ही ये स्टारफिश है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, कुछ करने दिखे इसके हाथ में। मैं उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था बट हुआ नहीं। ये है हॉर्स फिश, आई थिंक इसको हॉर्स फिश ही कहते हैं, इसका नाम भूल रहा हूँ। ये हॉर्स फिश था, ये शेल रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है इस समुद्र का मरीन म्यूज़ियम में, और इसकी एंट्री टिकट भी काफ़ी कम थी। इसके बाद हम शाम को फिर सेलुलर जेल चले गए देखने। तो सेलुलर जेल आप जैसे कि जानते ही हैं कि ये वो जेल है जहाँ पे भारत के फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स लेके कैद करने के लिए लाते थे इंडिया से दूर। तो काफ़ी अभी वेल मेंटेन्ड है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो स्ट्रगल्स थे उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। शाम को यहाँ पे एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है, उसकी टिकट 300 रुपये है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे को इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं। ये आप देख सकते हैं वीर सावरकर जी का स्टैचू। उसके बाद हम कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए। इस रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट का नाम है अंजू कोको। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये पोर्ट ब्लेयर में। आपको काफ़ी वैरायटी का सी फूड, नॉर्थ इंडियन सब मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं अब अपनी फेरी के लिए, हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए। फेरी के लिए हम सुबह सुबह निकल गए। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी पैक करा लिया था। अगर आप अपने होटल को बोलें कि आप 6 बजे आप निकल जाएंगे, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि आपके लिए ब्रेकफास्ट पैक कर लें, वो पैक करके दे देंगे। इधर हम फेरी पॉइंट पे आ गए हैं। फेरी पॉइंट पे हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी फेरी उधर खड़ी हुई है। ये वाली फेरी है बेसिकली ग्रीन ओशन कंपनी की प्राइवेट फेरी। इसको आपको पहले से बुक करना पड़ता है। आप बेस्ट रहेगा अगर आप इसको 3 से 4 हफ्ते पहले ही अपनी ट्रिप से बुक कर दें, क्योंकि अवेलेबिलिटी स्पेशली पीक जो सीज़न होते हैं उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमारी फेरी है, उसका मैं आपको एक टूर दिखा रहा हूँ। ये उसका डेक है, डेक पे ये एक छोटा सा ये कैंटीन टाइप का है, इस पर आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। ऊपर भी सीटिंग है और ऊपर वाला प्रीमियम सीटिंग है, नीचे वाला बेसिक सीटिंग है। ये हमारा, मैंने अपना रॉयल क्लास लिया था, तो मैं आपको रॉयल क्लास का ज़रा एक टूर दिखाता हूँ। इधर आपको ये प्रॉपर सोफ़ा वाली सीटिंग मिलेंगी, टेलीविज़न भी मिलेगा बट उस पर कुछ चल नहीं रहा था हमारे टाइम पे।
ये सीटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, स्पेस भी काफ़ी है। ये ओपन डेक है, सो एक बार जब फेरी स्टार्ट हो जाती है आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डांस वांस वो आप कर सकते हो आराम से। व्यूज़ आपको अल्टीमेट मिलेंगे क्योंकि ये ओपन फेरी है, तो आप आराम से ऊपर खड़े होके देख सकते हैं बीच वगैरह को, सॉरी बीच तो नहीं बट हाँ पानी को, वेव्स को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी कंफर्टेबल फेरी है, आपको स्नैक्स भी अच्छे मिल जाते हैं। इधर फिर हम आ गए फाइनली हैवलॉक आइलैंड, जिसको अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारा फर्स्ट ये जो इधर होटल है, हमने होटल कोरल रीफ रिजॉर्ट को बुक करा है, सो उसका चलो मैं आपको एक जल्दी से एक टूर दिखा देता हूँ होटल का। बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड होटल है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल होटल्स इन हैवलॉक, वेरी वेल मेंटेन्ड। पूल भी है, पूल साइड डाइनिंग भी है ऑप्शन। ये होटल का रेस्टोरेंट, पूल भी वेरी क्लीन पूल, रेगुलरली मेंटेन, काफी क्लीन वाटर था इसमें। अब मैं आपको हमारे रूम का टूर देता हूँ होटल में। हमने जो रिसेप्शन के एकदम पास वाला रूम सेलेक्ट करा था, तो मैं आपको एक होटल के रूम का टूर देता हूँ। प्रॉपर पूरा वुडन फिनिश में है रूम हमारा, ये आप देख सकते हैं। छोटा सा टेबल भी है और हमारे पास बालकनी भी था, बहुत ही अच्छा एकदम पूल के सामने, आपको पूल दिख रहा है अभी सामने। स्नैक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे रूम के अंदर ही, अच्छे थे। फ्रिज भी है अगर आप ड्रिंक्स वगैरह बाहर से लेके स्टोर करना चाहते हैं। टब भी आपको मिल जाएगा, शावर भी है। शाम तक ओपन रहता है, सो बेस्ट वे आइलैंड में आपको अगर इधर से उधर जाना है, सो आई थिंक बेस्ट है कि आप एक स्कूटी रेंट करो, क्योंकि जो फील स्कूटी में मतलब साफ सुंदर हवा का आपको जो मिलेगा, वो मतलब कैब या ऑटो में आपको बिल्कुल मिल नहीं सकता। ब्यूटी आप प्रॉपरली देख सकते हो, आराम से अपने टाइम पे आराम से स्पेंड कर सकते हो, कहाँ जाना है सब आपके। स्कूटी भी रेंट भी आपको बहुत ही कम मिलता है, लाइक आई थिंक 500 पर डे है। एंड इनफैक्ट आपको पेट्रोल भी मतलब दिल्ली से तो मुझे सस्ता ही दिख रहा है उधर। दिल्ली में उस टाइम पे आई थिंक 100 के आसपास था, और पोर्ट ब्लेयर में मतलब सॉरी इसमें ये हैवलॉक आइलैंड में आपको 83 समथिंग का पेट्रोल पड़ता है। सो आपको स्कूटी 500 के आसपास पर डे मिल जाएगी, और फ्यूल आपका खुद का जितना आप ट्रैवल करो उतना आप लगा। चारों तरफ ये राधा नगर आई थिंक ग्रीनरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी इधर, मतलब आप चारों तरफ एकदम बहुत अच्छा व्यू आपको दिखता है। उसके बाद फिर हम स्कूबा के लिए गए, सो ये मेरा स्कूबा इंस्ट्रक्टर था जिन्होंने मेरे को स्कूबा डाइविंग कराया। फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके पास एक फोटोग्राफर भी आपके साथ रहता है, जो कि आप एक क्लिप में देख सकते हैं, क्लिप जो हमारे साथ फोटोग्राफर था उसी ने लिया। ये वाला जो मैंने स्कूबा डाइविंग करा, ये मैंने नीमो रीफ वाले उस पर करा था, नीमो रीफ पे आई थिंक काफ़ी क्लीन वाटर्स थे, बट अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए तो आई थिंक बेस्ट रहेगा अगर आप सुबह सुबह जाएं, क्योंकि दिन तक जैसे जैसे क्योंकि और डाइवर्स आते रहते हैं, थोड़ा जो बेसिकली क्लैरिटी होता है पानी का वो थोड़ा कम हो जाता है।
सो इसके बाद फिर हम हैवलॉक जेटी पॉइंट पे वापस आ गए एलिफेंटा बीच के फेरी लेने के लिए। सो एलिफेंटा बीच की फेरी के लिए आपको इधर आना पड़ता है, और प्रेफरेबली आप 12 बजे के पहले ही इधर पहुंच जाएं, क्योंकि जो फेरी वापस है वो 3:30 के आसपास वापस आना स्टार्ट हो जाता है। सो आप इधर ऐसे कम से कम मतलब जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह चले जाएं, ताकि आप वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह आराम से कर सकें। सो ये आप सब देख सकते हैं, सारी बोट्स वगैरह हैं, सारी एलिफेंटा बीच पे ही जाती हैं। चार्ज आई थिंक ये 500 पर ट्रिप लेते हैं, तो पर पर्सन 1000 रुपीज़ पड़ता है। सो हमारे को ये इलेक्ट्रिक वाली काफ़ी अच्छी वाली मेरे को ये फेरी टाइप का मिला था एलिफेंटा बीच के लिए। आपको फुल सेफ्टी वगैरह आपको मिलता है ये लाइफ जैकेट का। इधर मैंने ये जेट स्की भी ट्राई करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, देख सकते हैं आप। सबको चलाने नहीं देते, बट थैंकफुली मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को चलाने दी। ये बनाना बोट है, इस पे भी आप ग्रुप में बैठ के ट्रिप कराते हैं। अभी ये उसके लिए पैरासेलिंग के लिए जा रहे हैं हम। सो आप देख सकते हैं पैरासेलिंग भी हमने करी। इसको आप प्रॉपर हार्नेस में आपको बांध के अच्छा खासा ऊपर लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं। आपकी इजीली फ्लाइट टाइम 10 के आई थिंक 10 मिनट के आसपास होती है फ्लाइट टाइम। सो आप देख सकते हैं एकदम ऊपर लेके जाते हैं, आई थिंक द एक्सपीरियंस इज़ अल्टीमेट, बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट अगर आप एलिफेंटा बीच आएँ तो ज़रूर पैरासेलिंग तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर ये आप थोड़ा स्पेंड करें तो। 3200 रुपीज़ इसका चार्ज था। सो गाइज आई एम एट द ब्यूटिफुल राधानगर बीच। Beautiful sunset. राधानगर बीच के बाद हम कुछ खाने के लिए निकल गए। सो सी फूड के तो ऑप्शंस बहुत आपको मिलेंगे, मैं वेजिटेरियन हूँ सो मेरे लिए ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। सो मैंने भी कुछ चीज़ें ट्राई करी। इसके बाद फ्रेश फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे आइलैंड पे बहुत सारे, सो वो ज़रूर ट्राई करिएगा जो लोकली ग्रोन फ्रूट्स हैं। कुछ काफ़ी यूनिक फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। सो मैंने खाने मैगी के बाद फ्रेश फ्रूट्स खाए, उसके बाद हमने कुछ ये यूनिक सा डिश ट्राई करा, पूरी टाइप का सा था ये, थोड़ा कैसा है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट डे फिर हमारी फेरी आ गई, जो कि माक्रूज फेरी आपको दिख रही है स्क्रीन पे। इसको भी आपको पहले से बुक करना पड़ता है उनकी साइट पे। सो क्योंकि लास्ट मिनट पे आपको माक्रूज की टिकट्स वगैरह बहुत ही मुश्किल होती है मिलना, सो आप इसको ज़रूर प्री बुक करिएगा पहले आने से पहले। ये आपको सीट्स देख सकते हैं, ये टॉप क्लास वाली सीट्स हैं। इसके बाद हम आ गए हैं फाइनली नील आइलैंड, जो कि शहीद द्वीप भी कहते हैं इनको, इसका नया नाम है। पानी आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर और एकदम ब्लू वाटर जिसे कहते हैं, नीला वाला पानी आपको दिखेगा यहाँ पे। वरना आप किसी और कहीं पे भी जाएंगे इंडिया में, आपको हमेशा काला सा या ग्रे सा पानी दिखता है। ये ही इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ आपको एकदम लाइट ब्लू क्रिस्टल क्लियर पानी, आपको एकदम साफ़ सुथरा पानी दिखने को मिलता है। हमारा होटल समर सैंड्स होटल था नील आइलैंड पे। सो मैं उसका आपको एक टूर कराता हूँ ये लॉबी आते ही। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी नील आइलैंड में कि आपको नेटवर्क का कनेक्टिविटी बहुत मिलेगा नहीं, सिर्फ BSNL के सिम्स काम करते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ एयरटेल एंड वोडाफोन तो बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं था जब तक मैं इधर रहा था। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप सारी बुकिंग्स वगैरह कम्युनिकेशन पहले से ही करके रखें, ताकि आपको इधर आके कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नेटवर्क का आपको दिक्कत आ जाता है इधर। ये हमारे होटल का टूर है, आप देख सकते हैं कि रूम्स के बाहर ही ये लिटरली पूल पूल है, आपको मिल जाएगा रूम के बाहर ही।
जो कि एक्सटेंड होके जो बड़े वाले पूल है उसमें कनेक्ट हो जाता है। सो चलो गाइज, मैं अभी आपको अपना रूम का टूर देता हूँ। टूर ऑफ आवर रूम, दिस इज 114। दिस इज द बेड, चार सिंपल बाथरूम, टेलीविजन थैंकफुली वर्क्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज द रूम ओपन्स राइट नेक्स्ट टू द पूल। सो राइट फ्रॉम द रूम इटसेल्फ यू कैन जस्ट जंप इनटू द पूल। सो नेक्स्ट डे हम नेचुरल ब्रिज पे आ गए जो कि लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पे हैं। बहुत ही सुंदर और बढ़िया व्यू आपको दिख रहा है ये नेचुरल ब्रिज पीछे। आपको काफ़ी फोटो अपॉर्चुनिटीज़ का मिलेगा, आपको सी लाइफ भी थोड़ा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक सी क्यूकम्बर है। इधर आपको तो जो डेड कोरल्स वगैरह हैं उसके ऊपर आपको पूरा बना हुआ है ये बीच, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी शार्प होते हैं, अगर आप स्लिप हो जाओ तो कट वट लग सकता है। सो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी अनइवन सरफेस भी है और स्लिपरी भी है। सो स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं, आप देख सकते हैं क्या हुआ। फिर हम नेक्स्ट बीच पे आ गए। सो आप देख सकते हैं ये सारे शॉप्स वगैरह हैं बीच के एंट्री से पहले, शेयर्स वगैरह सुविनेर्स आप इधर से ले सकते हैं। काफ़ी टाइप के आपको वैरायटी मिल जाएगा, प्राइस हर प्राइस रेंज में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ले जाने के लिए। सो हम इधर बीच पे आ गए, आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्यू, क्लीन बीचेस, लोग चिल कर रहे हैं। सो आई थिंक एक अच्छे से लॉन्ग वॉक के लिए दिस बीच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आराम से आप बीच में वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बीच को। नेक्स्ट फिर हम सनराइज पॉइंट जो कि सीतापुर बीच पे है उधर आए। सो हम थोड़ा लेट उठे तो सनराइज़ तो मिस हो गया, बट काफ़ी काफ़ी विंडी डे था, आप देख सकते हैं बहुत ही विंडी है यहाँ पे, बट काफ़ी अच्छा है सनराइज़ अगर आप सुबह उठ जाएं। काफ़ी जल्दी उठना पड़ेगा आपको, सो वो आप ज़रूर इधर आइएगा देखने के लिए। सो गाइज़ अभी हमारी ट्रिप ख़त्म हो रही है, ट्रिप का एंड आ चुका है। सो मैं आपको ज़रूर अपने सारे प्राइस वगैरह के बारे में बताऊंगा मैंने कितना स्पेंड करा बजट अपना। सो आप देख सकते हैं सारा ये स्क्रीन पे आ गया है। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिप के लिए। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टिप है कि सारे बीचेस सन डाउन पे बंद हो जाते हैं, सो उसका आप ध्यान रखिएगा। स्कूटी रेंट करना बेस्ट ऑप्शन है किसी भी आइलैंड पे जाने के लिए। एलिफेंटा बीच पे आप 12 बजे से पहले पहुंच जाइए क्योंकि 1 बजे के बाद उधर नहीं जाती है बोट। प्राइवेट फेरीज़ को आप 3 से 4 हफ्ते पहले बुक करिएगा ट्रिप पे, स्पेशली पीक सीज़न पे। आप एक छोटा सा पानी का बॉटल अपने पास रखिएगा क्योंकि उधर आइलैंड पे सिर्फ 2 लीटर की मिलती है। कैश रखिएगा क्योंकि हर जगह UPI या कार्ड नहीं चलता है। नील आइलैंड में सिर्फ BSNL का सिम चलता है और मॉर्निंग स्लॉट बेस्ट है फॉर स्कूबा डाइविंग। शेल्स वगैरह बीच से ले जाना अलाउड नहीं है। सो ये इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।